आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अगले 100 दिन के रोड मैप पर मंथन किया। इस दौरान सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। पुलिस है और जांच करके उसकी सच्चाई को बाहर निकाला जाएगा और ऐसी मानसिकता ले करके अगर कोई यूपी में आए और वह बचेगा या वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये गलतफहमी लोग निकाल रहे हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के लिए जाते हैं। 100 दिन का प्रेजेंटेशन दे देंगे तब हमारा विभाग। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री बने बृजेश पाठक एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू में डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत की। मरीजों से बातचीत करके उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। मौके पर वो ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में भी गए। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद निदेशालय पहुंचे, वहीं मत्स्य विभाग का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान सांसद प्रवीण निषाद भी साथ में मौजूद रहे। मंत्री ने सभी अधिकारियों को कक्षों का निरीक्षण किया और मत्स्य विभाग को रेवेन्यू के मामले में नंबर एक बनाने पर जोर दिया। सबसे पहले मेरा धर्म बनता है कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय की सेवा के लिए हमें मंत्रालय मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व, उत्तर प्रदेश नेतृत्व। और जिससे काम लेना है, मेरा पहला काम है उनसे हालचाल लेना, उनकी समस्याओं को सुनना, फिर तब समाज के उस जिनके इनकी जिम्मे प्रदेश के उन गरीबों को, इस प्रदेश के उन बेरोजगारों को, इस प्रदेश के कम जिनको भोजन कैलरी मिल रही है उन्हें कैलरी मिल जाए, इनके जिम्मे तीन काम है। एक तो बेरोजगारों को रोजगार दें, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो उसके माध्यम से उन्हें लाभान्वित करें, उन्हें अनुदान दें, पात्र व्यक्तियों को खोजें, ऐसे लोगों को जो कोई नहीं पूछता हो और हर एक जगह नौकरी तलाशते तलाशते पढ़ के वो बेरोजगार हों, किसी अंतर्राष्ट्रीय जो आज के दिन में समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को रोजगार दें। दूसरा, इस देश में जो कैलरीज की कमी है जो बार बार छपता है जिसकी वजह से, और वहाँ ये खाद्यान्न उत्पादन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए रेवेन्यू की भी ज़रूरत है। तो ये ऐसा विभाग है कि जो हम तीन चीज़ देते हैं और तीन चीज़ देने वाले लोगों को जाकर हाल चाल लेना, उनसे इन्हीं से काम लेना, इनकी समस्याओं को सुनना हमारा पहली प्राथमिकता, और हिदायत देना भी कि अगर आप जनता के पैसे को सरकार की सेवा में आए हो और जनता की सेवा के लिए आए हो, जनता के पैसे से। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कारागार मुख्यालय में समीक्षा बैठक की और साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश 100 में विकास के खाके को तैयार करने पर चर्चा भी हुई। बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी से बात करते हुए कहा कि हम अपने विभाग को बेहतर उपलब्धियों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, आज एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें आला अधिकारी आए थे, क्या बैठक का उद्देश्य था और क्या बातें हुई? इस समीक्षा बैठक में एक परिचयात्मक बैठक थी, कल पदभार लिया था हमने, उसके बाद में आज परिचयात्मक बैठक बुलाई थी। कुछ सुझाव हमें देने थे, कुछ सुझाव उनको हमें लेने थे। आज हमने जो है एक कहा है कि हेल्पलाइन नंबर लागू हो जिसमें सभी लोग अपना सुझाव और शिकायत जो भी करें और उसका निस्तारण भी हो, ये हमने कहा है। और प्रार्थना के बाद में हमारे जो बंदी हैं उनकी मानसिकता बदले, उसके लिए हमने गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय का मंत्र हो, 5 या 10 मिनट उच्चारण हो हर जेल में, और समय समय पर संतों महंतों के प्रवचन हों जिससे उनकी मानसिकता बदले और वो एक इंसानियत की जिंदगी जी सकें, ये प्रयास हमारा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से 100 दिन का विभागीय खाका तैयार करने कहा गया, क्या कितना तैयार है आपका विभाग? हमने तैयार कर लिया है और जो हम देंगे वो पूरा भी करेंगे। अच्छा सर, मानसिक स्थिति को सही करने के लिए विदेशों में कुछ अच्छे कैदियों को टूर पे ले जाया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? देखिए, पहले
कल हमने पदभार लिया था, आज बैठक बुलाई है और उसके बाद हम स्वयं जा कर के देखेंगे और देखने के बाद में जो उनके सुधार के लिए संभव होगा माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके उसमें व्यापक सुधार करेंगे। अच्छा, ऐसे कई सारे कैदी होते हैं जिन्हें वकील नहीं मिल पाते हैं और वो जेल में रह जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा? सोचा जाएगा, ऐसे उनके लिए भी सोचा जाएगा बहुत सकारात्मक सोच के साथ। और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने उसमें हमारे कारगर विभाग की भी भूमिका रहे, ये प्रयास हम लोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैदियों के लिए हर एक वो प्रयास किए जाएंगे जिनसे उनका जीवन बेहतर हो सके और आने वाले समय में जो जेल कारागार होगा उसमें कई सारी सुविधाओं में बदलाव किए जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। पिछले 50 सालों से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 73 किलो चांदी की अमानत संभाल कर रखी हुई है। कोषागार के तत्कालीन अधिकारियों ने इस चांदी के संबंध में प्रदेश सरकार से भी राय मांगी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया और ना ही इस अमानत के लिए अभी तक किसी ने दावा किया है। इस तरह इंदिरा गांधी की अमानत आज भी बिजनौर कोषागार में रखी हुई है। बता दें, ये चांदी तभी वापस की जा सकती है जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के परिवार का कोई सदस्य है इस पर दावा करे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आई थी बिजनौर में, तो यहाँ की जनता ने उनका जो है स्वागत किया था और स्वागत तो जो ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया था उसी कार्यक्रम में वो आई थी। तो बिजनौर की जनता ने उन्हें बताया जाता है कि चांदी से तोला था उनके पेट के बराबर, लेकिन उस समय की जो चांदी थी वो माननीय प्रधानमंत्री नहीं लेके गए और जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया था। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और जो भी हमारे यहाँ पूर्वज अधिकारी रहे होंगे, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश से वो यहाँ पे कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखवा दी गई। जहां साइबर क्राइम पुलिस ने नोएडा से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी पर बोनस देने का झांसा देकर 70 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा कर दो ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 अन्य फरार ठगों की तलाश की जा रही है। दोनों ठगों के कब्जे से 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 सिम और नकदी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना रेंज जो परिषद स्तर का थाना है, इसके द्वारा आज एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया गया है। इसमें एक अनिल बंसल नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उनसे 70 लाख रुपए LIC के नाम पर, उसमें प्राप्त होने वाले बोनस के नाम पर उनसे ले लिए गए हैं और वो अभियुक्त अब उनको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत कराया गया था, हमारी साइबर टीम द्वारा जब उसमें काम किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मेन 3 एक्यूज थे जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, उनमें से उन लोगों द्वारा इनके साथ साइबर ठगी की गई थी LIC के नाम पे। उनमें आज एक अभियुक्त यश और उसके साथ एक चमन नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा ये सारे अकाउंट खुलवाए गए थे, उसे अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य अभी 5 लोग वांटेड हैं। लगभग 17 खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया है जिसमें ये अकाउंट। रायबरेली पुलिस ने एक और चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 दिन पहले ये चेन स्नैचर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाग गया था, जबकि इसका साथ ही एजाज पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग को लेकर इनकी धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में SOG कोतवाली पुलिस और उचाहार पुलिस को शामिल किया गया था। चेन स्नैचिंग का गिरोह सक्रिय हो गया था जिससे 4 महीने के अंदर करीब 9 चेन स्नैचिंग कर ली थी। इसको पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर उचाहार, इंस्पेक्टर कोतवाली, मलेरिया और SOG प्रभारी की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के उसमें लगाई गई और इस टीम ने काफ़ी प्रयास के बाद CCTV फुटेज और सर्विलांस और पुलिस की अपनी जो मुखबिरी है उसके माध्यम से काफ़ी प्रयास करने के बाद इस गैंग का के सदस्यों को पकड़ा। और जैसा कि आपको जानकारी है कि परसों इसी संबंध में एक एजाज नाम का मुलजिम था जिसके ऊपर करीब 29 मुकदमे थे, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसका एक साथी वहां से फरार हो गया था जिसको आज उचाहार पुलिस और बाकी
से है जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्युत खंभों और सार्वजनिक संपत्ति पर पंपलेट और स्टीकर चिपकाने पर नगर निगम ने 4 लोगों के खिलाफ थाना क्वारसी में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि विद्युत खंभे पर पंपलेट चिपकाने को लेकर इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई है। देखिए, अपर नगर आयुक्त की तरफ से थाना क्वारसी क्षेत्र में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो नगर निगम की संपत्ति है, जो पोल लगे हैं, उस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं, जो सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम में आ रहा था, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा। खबर एटा जिले से है जहां 38 साल पहले पूर्व युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहे एनबीडब्ल्यू आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में लंबित दंडिक अपील के एनबीडब्ल्यू वारंट शुदा अभियुक्त को गिरफ्तार करने में एटा पुलिस की ओर से सफलता प्राप्त की गई है। आरोपी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई जारी है। आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ताराचंद दुबे को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियुक्त 1982 के एक अभियोग में वांछित था, उसमें गिरफ्तार हुआ था और वो माननीय न्यायालय से बेल प्राप्त होने के बाद ट्रायल पे उपस्थित नहीं हो पा रहा था और काफ़ी समय से दिल्ली में छुप के नहीं रह रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू के कंप्लायंस में आज कोतवाली नगर द्वारा यह कार्रवाई की गई है और लगभग 38 साल बाद जो है इसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय से। खबर कानपुर से है जहां हैलेट अस्पताल में इलाज के लिए फरुखाबाद की फतेहगढ़ जेल से लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं सुरक्षाकर्मी ने तत्काल संबंधित थानों को और थानों की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि कानपुर पुलिस टीम और जेल प्रशासन की टीम दोनों ने मिलकर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। ये वीरेंद्र नाम का लगभग 60-62 वर्ष का एक सिद्ध दोष बंदी है जो फतेहगढ़ जेल में वर्तमान में बंद था। इसे इलाज के लिए 31 मार्च को हैलेट अस्पताल में उनके द्वारा भर्ती कराया गया था। आज रात में वो देर रात में किसी समय अस्पताल से भाग गया है। इस चीज़ की सूचना थाना स्वरूप नगर पे सुबह 5:30 बजे दी गई थी। इस बारे में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। जो सिद्ध दोष बंदी है, जो मूल रूप से इकदिल थाना क्षेत्र इटावा का रहने वाला है, उसकी तलाश में हमारी टीमें गई हैं, फतेहगढ़ जेल की भी टीमें लगी हैं। बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। खबर यूपी के सीतापुर से है जहां ईसाई मिशनरीज द्वारा आदेश जारी किया गया है कि संचालित कॉन्वेंट विद्यालयों की यूनिफॉर्म में ईसा मसीह का फोटो लगा अनिवार्य होगा। अब इस आदेश को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है और संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को सौंपा है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, जिला मीडिया प्रभारी रामकृष्ण मिश्रा समेत संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आगरा के पौश इलाके दयालबाग में बच्चे जान का जोखिम डाल रहे हैं। रोड पर जाम होने की वजह से अभिभावकों के साथ बच्चे कटीले तारों के नीचे से निकल रहे हैं। बच्चों के कटीले तारों के नीचे से निकलने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इसी के साथ जानकारी दी गई है कि जाम की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी देरी होती है। इसके अलावा स्कूल के मुख्य सड़कों पर आवारा पशु भी घूमते हैं, जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है जहां पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी किए गए मोबाइल और करीब 4,000 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस के मुताबिक बदमाश इतना शातिर है कि वो चलती ट्रेन में बैग उठा लेता है और जेब ब्लेड से काटकर मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो जाता है। बता दें कि बदमाश पर 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इसके पकड़े जाने से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है,
जिसके तहत आज बड़ी सफलता थाना गाजियाबाद जीआरपी पुलिस को मिली। इनके द्वारा सुबह 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए और 4,000 रुपये नकद बरामद हुए। इससे हमारी 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है जो इसी वर्ष रेलवे में चोरी हुई थी, और इसका नाम किशन उर्फ हनी उर्फ पौवा है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये पहले 11-12 मुकदमों में थाना जीआरपी गाजियाबाद से जेल जा चुका है। यह वर्ष 2014 से लगातार अपराध कर रहा है। बीच में ये जेल चला गया था, अभी 1-1.5 महीने पहले ही जेल से छूट के आया है, और इसने फिर उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।